स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टेक योर सीट प्लीज। थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। स्टैंड अप प्लीज। मैं एक ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ, उसको 6 फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, हो जाएगा ना? यस सर। आपके द्वारा सेब खाया जा चुका था। An apple had been eaten by you. An apple had not been eaten by you. Had an apple been eaten by you? Had an apple not been eaten by you? Why had an apple been eaten by you? Why had an apple not been eaten by you? Good. You will stand up, please. क्या नाम है आपका? क्या आप ट्रांसलेशन एक बना सकती हो एक फॉर्म का 6 में? यस सर। चलिए ट्रांसलेशन मैं पूछ रहा हूँ। मेरे द्वारा कलम तोड़ा जा चुका था। ए पेन हैड बीन ब्रोकन बाय मी। ए पेन हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय मी। हैड ए पेन बीन ब्रोकन बाय मी। हैड ए पेन नॉट बीन ब्रोकन बाय मी। व्हाई हैड ए पेन बीन ब्रोकन बाय मी। व्हाई हैड ए पेन नॉट बीन ब्रोकन बाय मी। वेरी गुड। खुशबू गुप्ता, क्या आप ट्रांसलेशन बना सकती है एक का 6 फॉर्म में? यस सर। चलिए ट्रांसलेशन रहा। हम लोग के द्वारा एक पेड़ काटा जा चुका था। A tree had been cut by us. A tree had not been cut by us. Had a tree been cut by us? Had a been cut? Had a tree not been cut by us? Why had a tree been cut by us? Why had a tree not been cut by us? Good. Stand up please. Yes sir. What's your good name? My name is Sital Kumari. क्या आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं एक का 6 फॉर्म? Yes sir. बनाइए। मेरे द्वारा फूल तोड़ा जा चुका था। ए फ्लावर हैज बीन प्लक्ड बाय मी। ए फ्लावर हैज नॉट बीन प्लक्ड बाय मी। हैज ए फ्लावर बीन प्लक्ड बाय मी। हैज ए फ्लावर नॉट बीन प्लक्ड बाय मी। व्हाई हैज ए फ्लावर बीन प्लक्ड बाय मी। व्हाई हैज ए फ्लावर नॉट बीन प्लक्ड बाय मी। गुड। स्टैंड अप प्लीज। आपका भी ट्रांसलेशन 6 बनाना है। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका था। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी। क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय मी। हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय मी। हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय मी। व्हाई हैज क्रिकेट been played by me? Why has cricket not been played by me? Stand up please. Yes, sir. What's your good name? My name is Pallav Kumari. Very good. एक ट्रांसलेशन बनाइए अभी। आपके द्वारा केला खाया जा चुका था। ए बनाना हैड बीन ईटन बाय यू। ए बनाना हैड नॉट बीन ईटन बाय यू। हैड ए बनाना बीन ईटन बाय यू। हैड ए नॉट बनाना बीन ईटन बाय यू। व्हाई हैड ए बनाना बीन ईटन बाय यू। व्हाई हैड ए नॉट बनाना बीन ईटन बाय यू। गुड। स्टैंड अप प्लीज। यस सर। आप एक ट्रांसलेशन बनाइए, इसका 6 फॉर्म में बनाना है। मेरे द्वारा किताब बेचा जा चुका था। ए बुक हैड बीन सोल्ड बाय मी। ए बुक हैड नॉट बीन सोल्ड बाय मी। व्हाई हैड ए बुक बीन सोल्ड बाय मी? हैड ए बुक नॉट बीन सोल्ड बाय मी? व्हाई हैड ए बुक बीन सोल्ड बाय मी? व्हाई हैड ए बुक नॉट बीन सोल्ड बाय मी? हेलो, स्टैंड अप प्लीज। एक ट्रांसलेशन बनाइए। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका था। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी। क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय मी। हैड अ क्रिकेट बीन प्लेड बाय मी? हैड अ क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय मी? व्हाई हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय मी? व्हाई हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय मी? गुड। स्टैंड अप प्लीज। ट्रांसलेशन बनाइए एक अच्छे। मेरे द्वारा घर बनाया जा चुका था। ए हाउस हैड बीन बिल्ट बाय मी। ए हाउस हैड बीन नॉट बीन built by me? Had a house been built by me? Had a house not been built by me? Why had a house been built by me? Why had a house not been built by me? Stand up please. Yes sir. एक ट्रांसलेशन बनाइए एक का 6। मेरे द्वारा कार चलाया जा चुका था। A car had been driven by me. A car had not been driven by me. Had a car been driven by me? Had a car not been driven by me? Why had a car been driven by me? Why had a car not been driven by me? Good. Stand up please. Yes sir. आप भी एक ट्रांसलेशन बनाइए एक का 6। बन जाएगा ना? Yes sir. मेरे द्वारा किताब खरीदा जा चुका था। A book had been bought by me. A book had not been bought by me. Had a book been bought by me? Had a book not been bought by me? Why had a book been bought by me? Why had a book not been bought by me?